मम्मी, मैं आपसे ये कहने आई थी कि आपके कहने के अनुसार मैं आज नहीं जा रही हूँ। और हाँ, आई एम सॉरी, मुझे आपके साथ इस तरह पेश नहीं आना चाहिए था। इट वॉज माई मिस्टेक, मेरी गलती थी। कावेरी, मैं जानती थी कि तुम बुरी नहीं हो, सिर्फ गुस्से में बह गई हो। लेकिन बेटा, मैं भी तो तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। समाज सेवा तो घर से ही शुरू होती है ना। किसने तुमको समझाया जो तुम मुझसे माफी मांगने चली है? माँ की कई बातों ने मैं उनकी शिक्षा भूल गई थी। मैं तुम्हारी माँ की बहुत इज्जत करती हूँ। उनसे मिले कितने दिन हो गए, मैं उन्हें आज ही फोन करती हूँ। तुम अभी जाओ बेटा। जी। रिमझिम। जी भाभी, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। कुछ काम था। थैंक यू, जो तुमने मुझे समझाया और जो मेरी समझ में आया। मैंने मम्मी जी से माफी मांगी है और मैं आज नहीं जा रही हूँ। सच भाभी? देखो ना, हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, लेकिन फिर भी तुमसे कभी बात करने का मौका नहीं मिला। मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ जानती ही नहीं, लेकिन हम आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। यही कि आप बहुत अच्छे हैं और आपके संस्कार बिल्कुल आपकी माँ की तरह है। मेरी माँ के संस्कार तो मैं भूल चुकी थी, जो तुमने मुझे याद दिलाया। थैंक यू वंस अगेन। कावेरी, रुको। ये लड़की, फोन देना। हेलो कुंवर साहब, नमस्कार, मैं इरावती बोल रही हूँ। मैं अच्छी हूँ जी। मैंने इसलिए फ़ोन किया, आप कल यहाँ आ रहे थे ना जी। आप ना आए, हम 3-4 दिन के बाद मुहूर्त देख के शगुन कर लेंगे जी। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी छोटी बहू उसको किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना है और मैं चाहती हूँ कि वो शगुन में यहाँ रहे। जी जी, ठीक है। कावेरी, तुम जाके पैकिंग करो। लेकिन मम्मी जी। मैंने कहा ना बेटा, तुम जाके पैकिंग करो। ए लड़के, एक बात कान खोल के सुन। इस घर की खुशियां किसी गैर के मोहताज